धन धान्य भरी है धनतेरस, धनतेरस का दिन है बड़ा ही मुबारक। माता लक्ष्मी है इस दिन की संचालक, आओ मिलकर सब करें पूजन उनका जो है अपने जीवन की उद्धारक। धनतेरस के शुभ अवसर पर समस्त देशवासियों एवं ग्रामवासियों को समय जगत समूह की ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आमला। पूर्व में उपनगरीय बोड़खी में घटित मार पिटाई की घटनाक्रम में दर्ज अपराध एवं वर्तमान में दिनांक 16/10/2019 को नगर पालिका कर्मी ऋषिराज पिता मनोहर सिंगड़े के साथ घटित घटना में पुलिस द्वारा दर्ज किए गए अपराध की जा रही कार्यवाही से जहां पीड़ित परिवार उच्च अधिकारियों से उचित कार्यवाही की मांग कर रहा है, वहीं की गई कार्यवाही की नगर में जनचर्चा भी आम है। पुलिस कार्यवाही से नाखुश आज गुरुवार सफाई कर्मचारी संगठन दिल्ली अध्यक्ष कमलेश बहुत की अगुवाई में सफाई कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में रविंद्रनाथ टैगोर बार्ड की महिला एवं पुरुषों की मौजूदगी में पुलिस महानिदेशक भोपाल के नाम संबोधित ज्ञापन एवं फरियादी मोहनीश पिता मनोहर सिंगड़े व पीड़ित की मां रेखा सिंगड़े द्वारा अपराध की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक बैतूल के नाम ज्ञापन थाना प्रभारी आमला को सौंपा। उचित कार्यवाही एवं शीघ्र आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। ज्ञापन सौंपते समय बड़ी संख्या में महिला पुरुष मौजूद थे। क्या है पूरा मामला? बीती 16/10/2019 को नगर के हसलपुर इलाके में नगरपालिका कर्मी ऋषिराज सिंगड़े भाई मोहनीश एवं अन्य के साथ हसलपुर निवासी ब्रजेश चौहान साथी तरुण बेले व अन्य लोगों द्वारा फरियादी एवं उसके भाई व दोस्त के साथ जाति सूचक शब्दों का उपयोग कर बेसबॉल के बैट से प्राणघातक हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना की प्राथमिकी दर्ज करा पीड़ित को परिजनों द्वारा आमला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से अग्रिम उपचार के लिए जिला अस्पताल बैतूल रेफर किया गया था। पीड़ित की स्थिति भी गंभीरता को देखते हुए परिजनों द्वारा पीड़ित को नागपुर के निजी शेयरटेक चिकित्सालय के आईसीयू वार्ड में भर्ती किया गया था। बावजूद पुलिस द्वारा आरोपियों के ऊपर मामूली धारा में अपराध दर्ज कर कार्यवाही सुनिश्चित की गई। गौरतलब रहे कि मामले की गंभीरता की स्थिति से पीड़ित की मां रेखाबाई द्वारा महिलाओं के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अवगत कराया था, जिस पर पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय एन द्वारा थाना प्रभारी आमला को दूरभाषा पर तलब कर शीघ्र आरोपी गिरफ्तारी एवं दवाखाना पहुंचा तस्दीक कर अपराध की धारा अग्रेसित करने कड़े निर्देश दिए गए थे। बावजूद इसके स्थिति जस की तस रही। की गई कार्यवाही से नहीं हूं संतुष्ट। फरियादी मोहनीश पिता मनोहर सिंगड़े द्वारा गुरुवार थाना आमला पहुंच पुलिस अधीक्षक बैतूल के नाम संबोधित ज्ञापन थाना प्रभारी को सौंप आज दिनांक तक की गई पुलिस कार्यवाही आरोपियों पर दर्ज अपराध से असंतुष्ट जाता उचित कार्यवाही करने एवं शीघ्र आरोपी गिरफ्तार की मांग की गई है। इन्होंने क्या कहा? आपके द्वारा मुझे घटनाक्रम के संबंध में अवगत कराया गया है। ज्ञापन की प्रति प्रेषित करें, मैं मामले को दिखवाता हूं। पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय एन बैतूल। मामले में विवेचना जारी है। डॉक्टर रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिया गया। थाना प्रभारी शिव नारायण मुकाती। मैं मोहनीश सिंगड़े बोल रहा हूँ। मेरा एक छोटा भाई है ऋषिराज सिंगड़े। हम ये मेरा दोस्त थे। हम लोग असलपुर रोड के साइड में खड़े हुए थे। अचानक पीछे से एक कार आई ब्रजेश चौहान की, तो उसके साथ में दो साथी अलग थे। उनने रोक के क्यों रे लौड़े महतर बोलते क्या कर रहा है यहाँ पे, डायरेक्ट उनको मारा, बेस बैट निकाल के मारा। उसके बाद में पूरा गांव इकट्ठा हो गया और उसमें से 7-8 महिला थी और 15-20 लड़के थे, जिसमें कुछ अंकल लोग भी थे और लड़के लोग भी थे। अगर मैं उनको देखूंगा, मैं उस कार में भी ब्रजेश चौहान के साथ में कौन था मैं उनको पहचान नहीं सका, लेकिन मैं देखूंगा तो उनको भी बता दूंगा और अंकल लोगों को पहचान लूँगा, महिला लोगों को पहचान लूँगा। मैं रिपोर्ट लिखाने गया था, तो रिपोर्ट लिखाने गया था तो वहाँ पे मेरे साथ में बदसलूकी की गई। वहाँ पे डॉक्टर नरवरे भी पहुँचे जो उनके गांव से ताल्लुकात रखते हैं, और वो उनके साथ में आए और मेरी आधी रिपोर्ट भी नहीं लिखाई FIR, और मैं वहाँ पे खड़ा रहा। उसके बाद में उनको चाय नाश्ता परोसा जा रहा है और उनकी कुछ खातिरदार करी जा रही है, और वो डॉक्टर हमको गाली दे के बात कर रहे हैं और वो पुलिस वाले भी हमको गाली दे के बात कर रहे हैं, और हमारी हालत देखो, हमको ऐसे मारा पीटी की गई। ये देखो मेरे भाई का सर फूट गया है, मेरे भाई का सर फूट गया है, प्राण घर की हिम्मत और
सिटी स्कैन निकाला गया यहाँ से बैतूल में, और अब मेरे भाई को यहाँ से नागपुर रेफर किया जा रहा है, तो अब हम उसको नागपुर लेके जा रहे हैं। हमको आमला में FIR की रिपोर्ट नहीं दी गई और हम लोग यहाँ पे तुरंत भाई के चक्कर में आना पड़ा। हम लोग वहाँ पे 2.5 घंटा वेट करे, पुलिस वाले हमसे गाली उत्तर से बात करते रहे और FIR भी नहीं दी गई, इसलिए अब हम हमारे भाई को लेके नागपुर जा रहे हैं। क्या नाम भाई आपका? कौन से संगठन से हो आप? पीछे खड़े वाला भाई। क्या समस्या लेके थाना पहुँचे थे? हमारे बच्चे को मारने का प्रयत्न किया गया है। अच्छा। जानलेवा हमला हुआ है। अच्छा। हम चाहते हैं कि उनको गिरफ्तार करें और आइंदा के बाद अगर हमारे समाज पे कोई हमला करेगा, अच्छा, तो हम धरने पे बैठे। क्या आश्वासित किया TI साहब ने आप? TI साहब बोल रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, गिरफ्तार करेंगे। अच्छा। समय लगेगा। आपके क्या विचार है घटनाक्रम को लेकर? अच्छा, अभी तक पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई से आप संतुष्ट नहीं? नहीं करी है, घर पे गए थे। अच्छा, आश्वासन दिया आपने। हाँ। आपके कुछ विचार सोनू भाई, आपके विचार को? हाँ, मेरा भाई जो ऋषिराज सिंगड़े है, उस पर जानलेवा हमला किया गया और उस पर उचित कार्रवाई नहीं की गई है। अच्छा। और मेरा भाई ICU में भी भर्ती था। अच्छा। उसके सर पे चोट है और उसकी हड्डी भी क्रैक है। अच्छा। और उसको टाके भी लगे गए हैं, लेकिन उसके धारा से हम संतुष्ट नहीं है। अभी तक उन्होंने 1 हफ्ते का समय दिया है कि हम 1 हफ्ते के अंदर उचित कार्रवाई करके आपको बता देंगे। खबर समय जगत के लिए आमला से जिला प्रतिनिधि हरि प्रसाद गोहे की रिपोर्ट। पर समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का, हम हैं आपकी आवाज़।